हेलो दोस्तों, आज ड्यूरिंग द रिसर्च मुझे एक शेयर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अलग बिजनेस मॉडल है, तो आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर वीडियो लेके आए आज ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड की। इस कंपनी से रिलेटेड बातें करेंगे, फंडामेंटल जानेंगे, फाइनेंशियल जानेंगे, कंपनी के यहाँ पर चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, चीजों को सीखने पर फोकस करना। और सीखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ जाके वीडियोज देखिए, वीडियोज देखेंगे बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिलेगी, एज वेल एज बारीकियां सीखनी है। सीखना है कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम चलता है, स्टॉक मार्केट में शेयर क्यों भागते हैं, कब भागते हैं, किस लिए भागते हैं, कब बेचना चाहिए, ये सब चीज आपको जानना है ना। तो यहाँ पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल सब चीज यहाँ पर ए टू जी यहाँ पर दिया जाता है। 25,000 रुपए का कोर्स, 3 मंथ की यहाँ पर हैंड होल्डिंग, स्ट्रेटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट सब कुछ दिया जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, रिस्क मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, इंक्वायरी करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगी। 8860540501 और 8169261037 यहाँ पर दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए और हमें यहाँ पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड आप पर जानकारी मिल जाएगी, साथ में काम भी करना है तो भी इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते, आप हमारे साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड की अगर बात करें तो जैसे कि नाम में ही छुपा हुआ है ना, यहाँ पर पूरा ऑफिस नहीं लिख रखा, बट अगर हम एग्जैक्टली बात करें ना तो ऑफिस स्पेस ही हो गया यहाँ पर। क्या है यहाँ पर देखिए, ये 2014 में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी जिसे ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड इज अ वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया। देखिए, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, अलग अलग जैसी भी कंपनी हो, ठीक है ना, तो हर किसी को एक स्पेस चाहिए सो दैट दे कैन वर्क देयर, है ना। तो उसके लिए ही ये कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर देखिए, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइड अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम इंडिविजुअल फ्लेक्सिबल डेस्क नीड्स टू कस्टमाइज ऑफिस स्पेस फॉर स्टार्टअप, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एज वेल एज लार्ज कॉर्पोरेट एंड मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर हम बात करें, ये कंपनी छोटी से छोटी मतलब एक डेस्क से लेके एक छोटी से बड़ी कंपनी और बड़ी से और बहुत बड़ी कंपनी एमएनसी तक ये उन्हें वर्क स्पेस मतलब ऑफिस स्पेस दिलाने में यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप देखेंगे एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, आईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड आर द बुक रनिंग लीड मैनेजर टू द पब्लिक इशू। तो हम बात करें जब यहाँ पर ये कंपनी का आई थी, है ना, स्टॉक ये स्टॉक आया था, तो इन सभी लोगों ने इस पर्टिकुलर शेयर में यहाँ पर क्या है एज अ लीड मैनेजर की तरह यहाँ पर काम करते हुए नजर आए थे। तो इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ देख सकते हैं, जाके यहाँ पर देखिए मुंबई, नोएडा, कोलकाता, कैलकाता, यहाँ पर हैदराबाद, चंडीगढ़, मोस्टली इंडिया के जितने भी बड़े बड़े शहर है ना, अहमदाबाद, नागपुर, कोची, भुवनेश्वर, जयपुर, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, इंदौर, सब जगह यहाँ पर ये क्या करते हैं, काम करते हुए नजर आते हैं। इस तरीके का ये जो कोवर्किंग इंटरप्राइज मोबिलिटी यहाँ पर देखिए, ये जो भी आपको चाहिए है ना, ये सब चीज यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर किसी को जरूरत भी है तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए स्पेस सॉल्यूशन, है ना, ऑफिस ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफिस केयर, ये सब चीजों में काम करते हैं। मतलब दिलाते ही नहीं है, उसकी टेक केयर कैसे करनी है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, उसमें रिनोवेशन क्या करना है, वो भी आपको ये कंपनी करती हुई नजर आती है। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बिजनेस मॉडल लगा, तो बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा। बट हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिलेटेड। तो देखिए मार्केट कैप 3,470 करोड़ है, तो यहाँ पर स्मॉल कैप शेयर है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीजों को याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे चैनल का नाम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, दूसरा जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो जब शेयर भागता है तो ऐसे भागेगा, आपको समझ में आएगा कि आपके पैसे बन गए 2 गुना 3 गुना 10 गुना पैसे हो गए। बट जब गिरेगा तो उसी तरीके से गिर भी सकता है, गिरते भी है स्मॉल कैप आपसे 50-60%, और इवन आपने जितना कमाया नहीं होगा उससे ज्यादा भी लेके चले जाता है। इसलिए सही टाइम पे लेना और सही टाइम पे बेचना जरूरी है, जो हम अपने इस कोर्स में यहाँ पर सिखाते हैं, जो कि हमेशा आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हो और सीख सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर बात करते हैं और चीजों से रिलेटेड। आर ओ सी, आर ओ ई कुछ यहाँ पर खास नहीं है, ठीक है ना,
बात करें पी रेशो यहाँ पर नहीं दे रखा। क्यों नहीं दे रखा? क्योंकि आप यहाँ पर जाओगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी का जो ओवरऑल रिटर्न है ना वो नेगेटिव में है, इस वजह से यहाँ पर पी रेशो नहीं दे रखा। आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो लास्ट क्वार्टर का था ना 97.7% का था। सेल्स ग्रोथ की बात करें 55% थी। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें वो कुछ खास नहीं है, बट कंपनी के ऊपर एक आध दो चीजें बेकार है, जैसे कि हम बात करें डेट और डेट टू इक्विटी, जैसे लगभग 3% 300% के आसपास के यहाँ पर डेट है कंपनी के ऊपर है ना, तो कि मुझे थोड़ा सा एक दो चीजें अच्छी नहीं लगी। अदरवाइज ओवरऑल हम बात करें तो कंपनी काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है, और हर किसी को अब मान के चलिए मुझे बिजनेस कोई ओपन करना है, मुझे एक वर्क स्पेस की जरूरत है, तो क्या करूंगा मैं? तो मैं यहाँ पर इधर उधर घूमूंगा, इससे बढ़िया मैं कंपनी को पकड़ूंगा, उनसे बात करूंगा और वहां पर मुझे सारे सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आएगा। तो इंटरेस्टिंग बिजनेस यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड बातें करते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जो शेयर है ठीक है ना, अभी फिलहाल की डेट में ही आता हुआ दिखाई दिया 30 मई 2024 को, ठीक है, लिस्ट होता हुआ नजर आया ये शेयर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए कंपनी के रेवेन्यू, यहाँ पर जो एक साल पहले 159 करोड़ का रेवेन्यू था वो यहाँ पर बढ़ के 232 करोड़ यहाँ का हुआ, ठीक है। इससे पहले हम बात कर रहे हैं 220 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का लगातार बढ़ रहा है यहाँ पर सेल्स एज वेल एज ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा नजर आता है, ठीक है। कंपनी की हम बात करें कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ में आएगा कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा है 67% के आसपास का मार्जिन, 28 और 30% का मार्जिन है ना। ऐसे अगर मार्जिन आपको मिलते रहे और ऐसी कंपनी प्रॉफिटेबल और अच्छा काम कर दे तो समझ लीजिए कंपनी के तो कंपनी यहाँ पर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें घाटे से यहाँ देखिए फिर घाटा हुआ और अब फाइनली यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अदर इनकम थोड़ी सी ज्यादा हुई है यहाँ पर बात करें कंपनी को, जैसे कि मैंने बताया था कि 300% के आसपास का डेट है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है इंटरेस्ट देना पड़ता है, बाकी ये जो पैसा होता है ये तो यहाँ पर कंपनी खुद ही रखती है, बस वो दिखा देती है, तो वो सब चीज बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वार्टर ईयरली बेस पे बात करें तो यहाँ देखिए ईयरली बेस ने मुझे थोड़ा सा सरप्राइज किया कि सेल्स देखिए 154 करोड़ की सेल्स 2019 में थी, 5 साल के अंदर अंदर 154 करोड़ की सेल्स 850 करोड़ की सेल्स में बदल गई है। और जो यहाँ पर घाटे में 33 करोड़ का घाटा किया था 2019 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, वहां पर 245 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव चीज है, मार्जिन तो अच्छा खासा आ ही रहा है। एज वेल एज हम बात करें थोड़ी सी और चीज की, तो जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट और मतलब डेट बढ़ता हुआ नजर आया, इस वजह से इंटरेस्ट 100 करोड़ रुपए के आसपास का इंटरेस्ट आ गया, तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर चीजें थोड़ी सी खटकती हुई नजर आई है, ठीक है। बाकी डेप्रिसिएशन क्या है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो खुद रखते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर ओवरऑल देखोगे ना, अगर इसे यहाँ पर भी रख लिया तो कंपनी क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पर और चीजें देखो, डेप्रिसिएशन को भी एक साइड कर देते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा घाटा धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कभी भी यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है। जब पॉजिटिविटी दिखाई देगी तो यहाँ पर क्या है, जोमेटो को आपको मैंने कल ही 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी जोमेटो से रिलेटेड, मैंने कि ये बदलाव शेयर को लगा देगा 4 चांद है ना, अगले दिन शेयर 5% भागा भी था, तो यही चीजें यही बदलाव शेयर को 4 चांद लगा सकता है दोबारा, तो इस शेयर की तरफ आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़े तो रिजर्व कंपनी के जो घाटे में थे वो बढ़े हैं, 232 करोड़ के रिजर्व बढ़े हैं, पर साथ में यहाँ पर देखेंगे कंपनी की बोराई 20 करोड़ की थी वो 734 करोड़ की बोरिंग हो गई है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ऑफ लगता हुआ नजर आया, शायद छोटी कंपनी है, शायद कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, शायद कंपनी अच्छा खासा काम करना चाहती होगी, बट मैनेजमेंट पे अब यहाँ पर पूरी की पूरी दावेदार है कि मैनेजमेंट किस तरीके का, मैनेजमेंट अच्छा हुआ ठीक है ना, इस कंपनी को 4 चांद सही में ही लग जाएंगे, बट मैनेजमेंट ने थोड़ा सा हरकत करी तो यहाँ पर फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वर्किंग प्रोग्रेस की बात करें यहाँ पर 8 करोड़ रुपये लगा रखे हैं, और कैश की बात करें 5 करोड़ का ही कैश पड़ा हुआ है, कुछ खास यहाँ पर कैश नहीं है। तो ओवरऑल हम देखें तो बोरिंग थोड़ा सा क्या है इशू यहाँ पर नजर आता है, बाकी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर समझ में आएगा चीजें। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटर्स के पास 28.56% के शेयर है, ठीक है ना, कोई भी यहाँ पर प्लेजिंग वगैरह नहीं है। इसके अलावा हम बात करें एफ आई के पास 7.47% है, ठीक है। इसके अलावा डी आई एस की बात करें 11.49 है, इसमें एच डी एफ सी है ना, इमर्ज कैपिटल अपॉर्चुनिटी स्कीम, इन्होंने भी ले रखे हैं। बाकी हम बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक के पास 52% के शेयर यहाँ पर नजर आते हैं, और 52 में भी देखोगे तो यहाँ पर देखिए अलग अलग ग्रुप ने, अलग अलग एच एन आईज और एल एल पी यहाँ पर कंपनीज ने अच्छी खासी होल्डिंग लेके रख रखी है, जो कि यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग यहाँ
पर बात करें तो अच्छी खासी, मतलब 40-42% के आसपास की है। तो पब्लिक के पास भी थोड़ा बहुत ही शेयर है, ज्यादा खास यहाँ पर शेयर है नहीं, बट हो सकता है कि शायद पब्लिक को चिपका दिया जाए ऊपर के लेवल पे, तो थोड़ा सा अलर्ट भी यहाँ पर रहना है, ठीक है ना। तो ओवरऑल हम बात करें कंपनी का, जिस तरीके से बिजनेस मॉडल में ऊपर नजर आया, जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है वो मुझे काफी इंप्रेसिव नजर आया, जो कि घाटे से अगर प्रॉफिट में आई तो जोमेटो की तरह इसमें चार चांद सही में लग जाएगी, एक पंख लग जाएंगे जो शेयर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। बट हम बात करते हैं चार्ट से रिलेटेड, और इससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे कहने किसी और के कहने पर लेना नहीं है, नंबरों को नोट करके काम कर सकते हो साथ में और यहाँ पर कोर्स कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 332 रुपए पे शेयर यहाँ पर, जब यहाँ पर आया थोड़ी सी गिरावट हुआ, लगातार तेजी होती हुई नजर आई, आज शेयर में तेजी तो हुई बट थोड़ी सी गिरावट होती हुई नजर आई। तो अब यहाँ पर किसी को अगर लेना है तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि फाइनेंशियल थोड़े से और चेंज होने दो, यहाँ पर हो रहे हैं ठीक है, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर फाइनेंशियल चेंज होते हुए, बट और थोड़ा होने दो, जल्दबाजी से बेशक से यहाँ से शेयर 10 गुना हो सकता है, बट एक बार फाइनेंशियल आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि कंपनी सही में ही इस तरीके जो यहाँ पर दिखा रही है वो सही में ही है या फिर बस बेकार है। क्यों? क्योंकि क्या होता है जब शेयर मार्केट में लिस्ट होता है ना, तब और ही कुछ दिखाया जाता है, जब यहाँ पर लिस्ट हो जाता है उसके बाद और ही कुछ पता चलता है कि कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आज यहाँ पर 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है ना, कल ही रिजल्ट आया, बट स्टिल और यहाँ पर आने वाले क्वार्टर में आपको पता चलेगा कि 100 करोड़ का घाटा हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, फिर ये शेयर यहाँ पर नहीं रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, पर कंपनी अच्छी हुई तो यहाँ पर थोड़ा सा गिरने के बाद और ऊपर जाएगा, जब जाएगा तो 1000 तक भी जा सकता है, फिर 1500। तो अभी मेरी राय यहाँ पर न्यूट्रल है, न्यूट्रल इन द सेंस कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, शांति से यहाँ पर बैठ रही है। बहुत सारे अच्छे शेयर है जो यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, बट इसकी तरफ नजर भी बना सकते हो, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और एक बार कंपनी एक बार और रिजल्ट पेश कर दे, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर डिसाइड करेंगे, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर काम करोगे तो पैसे बनेंगे। तो बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए, कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, नंबरों को नोट करके ये आप काम कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।